आज हम लंच करने के लिए बाहर जा रहे हैं। डिनर भी करोगे? लंच करके फिर आ जाएंगे। फिर से हम वही रेस्टोरेंट में आए हैं, महामोला शाह होटल वही होटल में आए हैं। क्योंकि यहाँ का खाना बहुत टेस्टी होता है, तो आज मैं अपने देवर को लेकर आई हूँ। और हम लोगों ने डिनर कर लिया है। डिनर में आज था मिष्टी का फेवरेट आलू फ्राई, साथ में दाल और एग पोच। तो यही था डिनर। और दोपहर को हम लोग गए थे पांडू के उसी होटल में, जहां पे मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, बंगाली ट्रेडिशनल खाना खाने के लिए, और वहीं पे लंच किया था। तो फटाफट से आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि हम लोगों ने फैंसी बाजार से क्या क्या शॉपिंग किया है। तो पिंकी ने क्या क्या शॉपिंग किया है। सबसे पहला जो है वो है ये मिष्टी के लिए चॉपस्टिक्स, और ये बहुत ही कम प्राइस में मिला है, जस्ट 20 रुपीज में। मैंने अच्छे लिया है, तो बाबा जी सीख लूंगा। हाँ, मिष्टी को बहुत मतलब इसमें नूडल्स खाने का शौक है। तो राइस अच्छा, स्टिकी राइस खाएगी मिष्टी। अच्छा, तो पहला प्रोडक्ट है ये। फिर नेक्स्ट लिया है ये दो क्लच, एक ये वाला ट्राइंगल शेप में और एक है ये, और ये भी ईच 20 रुपीज करके। ये ऐसे देखो, हाँ, तो ये है एक ये वाला और एक है ये वाला, तो दिखा रही हूँ आपको। हाँ, तो ये लिया है मिष्टी ने, बहुत ही क्यूट सा है ये इस टाइप का है। इसके अंदर कुछ हैवी। और तो आज हम दोपहर को गए थे पांडू के ही होटल में, मिष्टी ने इसे यूज भी कर लिया है। इसके अंदर चॉकलेट था, है ना? हाँ, ये चॉकलेट लेकर गई थी, खाली खा लिया मैंने। इसका रैपर बहुत खूबसूरत है, ये डिजाइन भी बहुत खूबसूरत है, लेकर दिखाओ। तो नेक्स्ट लिया है पिंकी ने ये एक बैग गिफ्ट के लिए, और ये भी बहुत ही खूबसूरत सा है और बहुत ही कम रेंज में मिला है। ये शायद 250 ऐसा ही कुछ था। तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, ये देखिए इस टाइप का है। इस तरफ भी ये जिप लगा हुआ है पीछे की तरफ, और ये भी यहाँ भी जिप लगा हुआ है, इस टाइप से है ये। बहुत सारा इसमें बहुत ही ज्यादा स्टोरेज है, मतलब कुछ भी बहुत कुछ रख सकते हैं इसमें। और ये भी है, और यहाँ पे कॉइन रखने के लिए एक छोटू सा भी यहाँ पर्स। हाँ, इसमें मुझे लगता है स्कूल बैग, ये पॉइंट रखने के लिए ये इस टाइप का दिया। तो नेक्स्ट तो ये है, और इसमें पॉकेट भी बहुत सारा है। ये वाला एक है, ये यहाँ पर बहुत सारे चॉकलेट। ये वाला है एक, तो इस टाइप से बहुत खूबसूरत सा है ये। ये पीछे की तरफ लेने के लिए ये, तो नेक्स्ट है ये। और इसके बाद अगला जो प्रोडक्ट है वो है ये वाला एक कप मिष्टी के लिए। तुम देखो नहीं ना इधर, ये भी बहुत ही क्यूट सा एक कप है। डरो पोल लेकिन तो जावे पांडा, हाँ इसमें पांडा है, ये इस टाइप का मिष्टी। इसमें स्पून भी दिया गया है, और ये ऑनलाइन में आपको दिख जाएगा, लेकिन रेट बहुत ही कम है। इसका भी बहुत ही कम प्राइस में मिला है, ऑनलाइन से भी कम है ये। ये भी शायद 250 ऐसा ही कुछ था ये। पांडा बैलून, तो ऑनलाइन में 450 के करीब है ये इसका प्राइस। ये वाला मतलब बेबी के लिए। नेक्स्ट जो है ये है शूज, ये भी पिंकी के लिए बहुत ही खूबसूरत, ये भी बहुत ही प्यारा सा है ये शूज। और इसका भी रेट बहुत कम है, 450 में मिला है, और बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही सॉफ्ट है, इस टाइप का डिजाइन है ये वाला।
नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये पर्स, लेडीज पर्स, और ये भी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही कंफर्टेबल, सॉफ्ट है ये भी। तो ये कुछ इस टाइप का है, यहाँ पे जिप दिया गया है, ये पर गोल गोल, हाँ अंदर भी एक पॉकेट है। और इसका भी रेंज बहुत ही कम है, कम प्राइस में मिला है, ये भी शायद 250 के अंदर ही मिला होगा, मिला था। तो ये ऐसे भी लिया जा सकता है बड़ा करके, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं ये इस टाइप से। तो ये भी बहुत ही क्यूट सा है, तो ये लिया है। और लास्ट, ज्यादातर ब्लैक कलर में ही है, और लास्ट प्रोडक्ट है ये छोटू सा सॉस सर्व करने के लिए। तो ये लिया है पिंकी ने और ये मैंने लिया है, तो बस यही लिया है हमने फैंसी बाजार से। छोटू सा आपको दिख रहा है ना, उसी का रेट ज्यादा है, और जो बड़ा बड़ा है उसका रेट कम है। जैसे कि ये 75 करके लिया है, ये बहुत ही छोटू सा है, और इसका भी 450 के करीब था। तो ये दो ही मुझे थोड़ा सा कॉस्टली लगा, लेकिन बाकी सब बहुत ही कम प्राइस में मिला है। तो बस यही था शॉपिंग, और आप लोगों को कौन सा सामान ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिनीसो हम लोग सिटी सेंटर भी गए थे, वहां का शॉपिंग भी आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये लिया था मिनीसो से पिंकी ने, ये स्टार के शेप में ये वाला कुशन, और बहुत ही सॉफ्ट है ये पिंक कलर में, सिंपल सा है लेकिन बहुत ही प्यारा सा है। और एक लिया है ये पर्स, ये बैग, ये भी इस टाइप का है, इसमें जिप लगा हुआ है, और प्रॉब्लम पड़े यहाँ पे इस टाइप से है। तो ये भी बहुत ही अच्छा है, सिंपल सा है लेकिन अच्छा है, यूज करने में बहुत ही अच्छा है। तो ये दो लिया था मिनीसो से। संडे और अभी रात के 11 बज रहा है, और हम लोगों ने डिनर कर लिया है, तो कल मॉर्निंग को ही मेरा देवर चला जाएगा फैमिली के साथ। तो मॉर्निंग को 6 बजे निकलना है और हमें 5 बजे उठना है फिर, इसलिए आज जल्दी सोने वाले हैं। आज ना मॉर्निंग से मैंने कुछ रिकॉर्डिंग ही नहीं की, क्योंकि कुछ दिनों से तो हम लोग बाहर जाते रहे, एक टाइम बाहर खा रहे थे और एक टाइम घर पे, ज्यादातर रात को ही घर पे। और क्योंकि दिन में मतलब लंच हम बाहर कर रहे थे तो थोड़ा हैवी हो जाता था, और डिनर में लाइट खाना खा रहे थे। तो आज फाइनल मतलब लास्ट डे है, तो इसलिए आज मॉर्निंग से भी क्या हुआ कि ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं और मेरे देवर दोनों मिलके गए थे सब्जी बाजार, सब्जी खरीदने के लिए। सब्जी फिश और चिकन भी लाई थी, और उसके बाद मैंने बिरयानी बनाई थी दोपहर को, मतलब लंच के लिए मैंने बिरयानी बनाई थी। बिरयानी के साथ रायता, फिर चिकन पकौड़ा, और मिष्टी को भिंडी बहुत पसंद है तो भिंडी फ्राई किया था साथ में दाल, हाँ तो यही बनाई थी लंच के लिए। और डिनर के लिए फिश करी आलू और टमाटर के साथ, और फिर फिश का जो ऑयल होता है उसको भी आलू के साथ फ्राई किया था। तो अभी सोएंगे और फिर मॉर्निंग को उठना है, तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल। और आज है नेक्स्ट डे मंडे, तो मिष्टी चली गई है, घर पूरा खाली खाली सा पड़ा है, और पता नहीं क्यों मैं कुछ रिकॉर्डिंग भी नहीं कर पाई, मतलब इतना हरबरी में टाइम चला गया है। ब्रेकफास्ट तो तैयार हो गया है, यहाँ पे रोटी बनाई थी उन लोगों के लिए, वो लोग नहीं, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, जस्ट ब्लैक टी और बिस्किट्स खा कर गया है। और मिष्टी के लिए थोड़ा सा मैंने राइस बना के दिया है। तो छोटू भी स्कूल चला गया है, और अभी घर का हालत कुछ भी नहीं किया मैंने, अभी ये सब बेड ये सब वगैरह ठीक करना है फिर से। ये एक पीस केक बचा था, इसी के साथ चाय पीऊंगी अभी, बाद में फिर ब्रेकफास्ट करेंगे।
फिलहाल घर के डस्टिंग वगैरह हो गया है और अभी मैं जाऊंगी शावर लेने कपड़े मशीन में डाल के और फिर उसके बाद पूजा करूंगी। पूजा करने के बाद लंच की तैयारी करनी है, तो आज ना लंच में मैं सोच रही हूँ अभी कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि कल का फिश करी है, दाल भी है और राइस भी है, तो लंच हो जाएगा इसी से, फिर डिनर के लिए रात को सोचेंगे। डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैं चली गई थी शावर लेने और शावर लेके मैंने पूजा भी कर लिया है और आज मैंने एक बाथरूम भी साफ कर लिया है और एक कल करूंगी, तो अभी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। लंच भी कर लिया है हम लोगों ने, जैसा कि मैंने कहा था कि आज लंच में मैंने कुछ बनाया नहीं था, कल का ही था, कुछ फिश करी यही सब था, एकदम ही टेस्टी नहीं था। खेत देखो जो दिखे थे चीनी मिली है ना, दही था थोड़ा सा, तो छोटू पूछ रहा है कि दही खाएगा कि नहीं, तो वो ना थोड़ा खट्टा टाइप का है और छोटू को पसंद नहीं है खट्टा दही, तो बस तो हम लोगों ने फिश करी और दाल यही लिया है आज। खे देखे चो कि टेस्टी लगे ना, एक तो समय चीनी मिलिए रखो तक तो मिक्स हार पर भलो लगे, तो फ्रिजे ढुकिए रखो अब पर खेल नब, एन ढुकिए रखो एन खेते ना। तो छोटू ना अभी अभी जस्ट स्कूल से आया है और लंच भी कर लिया है, आने के बाद लंच किया है, तो अभी इसलिए दही खाना चाहता था लेकिन उसको टेस्टी नहीं लगा, मुझे पता था कि उसे ये दही टेस्टी नहीं लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यही पे एड करती हूँ और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की न्यू अपडेट सबको मिलती रहे। तो मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।